हेलो दोस्तों, अभी तक आप 1 से 80 तक का जीएस का सॉल्यूशन देख चुके होंगे। ये 81 से 100 तक का मैथ और जीएस का सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन, 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि वह घंटे क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितना बार इकट्ठा बजेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये सब का आप एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम 120 आएगा। ठीक है, अब 120 आएगा तो 120 को आप या तो मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर जो आपका क्वेश्चन 30 मिनट दिया है उसको आप सेकंड में कन्वर्ट, तो हम इसको मिनट कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट। अब हम लोग निकालते हैं कि वो कितना बार बजेगा, तो देखिए कितना बार बजेगा जो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 30 मिनट है और 2 मिनट के अंतराल पे वो बज रहा है ना, तो 30 डिवाइडेड 2 और +1, तो इधर हो जाएगा 15 और एक 16, तो यानी कि 16 बार वो बजेगा। 16 क्यों होता है ये देखें, तो 0, 0, 2, 4, 6, 8 करके ऐसे करके 30 तक आता है। ठीक है, 30 तक बजेगा, और हम लोग 30 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है, तो 0 छूट जाता है, पहले बचेगा, उसके बाद 2 सेकंड बचे, तो इसलिए हम लोग एक और लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 बार, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, इसमें बोला कि क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 है। ठीक है, इनमें से एक खिलाड़ी का रन 16 बनाया है, तो चार बाकी खिलाड़ियों का औसत कितना होगा, तो टोटल रन कितना हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, तो 36 × 6 यानी कि 216। ठीक है, रन, और एक खिलाड़ी जो है वो 16 रन बनाया है, तो एक के पहले 6 था, ठीक है ना, उसमें से एक खिलाड़ी जो है वो 16 रन बनाया है, मतलब कि 216 में से 16 चला जाएगा, तो 200, बाकी का 5 खिलाड़ी जो है, 5 प्लेयर जो है वो 200 रन बनाया है। ठीक है, 200 रन बनाया, तो बोल रहा है कि इसका औसत कितना होगा, तो औसत क्या हो जाता है, तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर इक्वल टू 40। ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83। रमेश और महेश का आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, रमेश और महेश का आयु कितना है, 4:3 में, तो ठीक है 4x मान लेते हैं कि उसका एज 4x है, और महेश का कितना है, तो 3x। ठीक है, दोनों का योग बोल रहा है कि 28, यानी कि 4x + 3x है ना, कितना हो जाएगा 28, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 28 / 7। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अब बताइए कि रमेश का एज कितना है अभी, तो रमेश का एज जो है वो अभी कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 है ना, और महेश का एज कितना हो जाएगा, महेश का एज हो जाएगा 3 × 4 कितना, 12। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा, तो 16 वर्ष बाद, ठीक है, तो अभी रमेश का आयु कितना है, रमेश का आयु अभी कितना है, 16, और 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, और महेश का कितना है, 12, और 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालना है तो सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे 14, 16, 7, 8 यानी कि आपका न्यू रेशियो कितना, न्यू रेशियो क्या बन गया, रमेश और महेश का, तो 8:7। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ओ सॉरी, इसी पे आ गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन देख लिए होंगे। ठीक है,
तो बोल रहा है कि पी का आय का 5%, टी का आय का 15% के बराबर है। ठीक है, पी का आय का 5% बराबर टी का आय का 15% के बराबर है। ठीक है, और बोल रहा है कि टी जो है वो एक आठ टी का आय जो है वो 8,000, तो पी का 5% बराबर टी कितना है 8,000 का 15%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से 15 तीन बार में कट गया, है ना। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर 24,000 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, कि टी का आय का 10% एस के आय का 20% के बराबर है ना। तो देखिए इधर, टी का 10% एस के 20% के बराबर है। ठीक है, तो टी हमारा कितना है, टी हमारा 8,000 का 10% का एस का 20%। ठीक है, हम लोग कट कर देंगे सिंपली 2, तो एस बराबर क्या आ गया, 4,000 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि पी टी और प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा, तो 2400, 24,000, 8,000, 4,000, है ना, बराबर 36,000, जो कि आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर है 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, बोल रहा है 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तथा इसी काम को 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, सिंपली 8 मैन 20 डेज में, है ना, और 8 वोमेन जो है वो 32 डेज में। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 10 और यहाँ पे 16, 2 से 5, 2 से 8, यानी कि हम लोग को मैन और वोमेन का रेशियो क्या आ गया, 8:5 आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, टोटल हमारा कितना यूनिट वर्क है वो अब निकाल लेंगे। तो मेन का 8 है, तो किसी भी एक में पुट कर देंगे हम लोग किसी एक का वैल्यू, तो 8 हम लोग मैन में पुट कर देते हैं, मैन इंटू 8 इंटू 20 इजकल टू कितना हो गया, तो 1280। ठीक है, अब बोल रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिला उसके कितना दिन में करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 5 पुरुष 8 महिलाएं। ठीक है, तो 5 मेन प्लस 5 वोमेन, है ना, यही बोल रहा ना। ठीक है, तो 5 मेन, तो मेन की जगह क्या था, 8 था। ठीक है, और 5 वोमेन की जगह क्या था, 8 वोमेन की जगह 8 था, और 8 8 वोमेन था ना, 8 वोमेन, और 8 वोमेन की जगह कितना था, 5 था। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 80 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, टोटल 80 हो गया। अब हम लोगों के पास टोटल वर्क कितना था, 1280 था, उसमें हम लोग 80 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या होगा कि 16 आंसर आ जाएगा, मतलब कि 16 दिन में दोनों मिलके कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, बहुत आसान है। यदि किसी समय समय में किसी धनराशि को 5 वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो, ठीक है ना, 5 जो परसेंट है वो पर ईयर है, ठीक है,
पर ईयर है ना, तो एक ईयर में 5 परसेंट, ठीक है, तो कुछ साल होंगे, कुछ साल तो मान ले कि टी, ठीक है ना, और उसमें 40% का वृद्धि हो जा रहा है, ठीक है, 40% का वृद्धि हो रहा है, ठीक, तो कितना साल में होगा, तो हम लोग देख लेते हैं कितना साल में होगा, तो 40, 5% से परसेंट कट जाएगा टाइम का, ईयर तो 8 ईयर, मतलब कि आपका जो वृद्धि होगा वो 8 साल में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समकोण की भुजाएं 4, 3, 4, 5 लंबी है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक समकोण है, ठीक है ना, उसका ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, उसका जो 3 साइड वाला जो था वो उसको आप अनुधर्म, मतलब कि अनुधर्म में हम लोग घुमा देते हैं, तो ठीक है, तो वो हम लोग कर देंगे, तो कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, और इसमें जो ये हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, यहाँ से 4 था तो यहाँ तक पूरा 8 हो जाएगा, और ये पूरा सर्कल हो जाता है, ये बेस हो जाता है, यहाँ पे ये हाइट हो जाता है, ठीक है। और अब पूछ रहा है कि इस तरह शंकु का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे शायद, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना हो गया, तो इसके आधा तो 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 3, इधर देख लेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 पाई, आप आंसर चेक कर सकते हैं ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है ना, क्वेश्चन नंबर 88 आप देख लीजिए क्वेश्चन, कि मान के लिए समीकरण, समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण का वास्तविक तथा बराबर कितना होगा, ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, तो हम लोग को फॉर्मूला याद होगा, पढ़े हैं बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो बी कितना हो गया, 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 × p × 4 इजकल टू 0, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 20 माइनस 16p इजकल टू 0, है ना, तो 16p बराबर 20, तो p बराबर 20/16, तो 5/4, समझ में आ गया, 5/4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, एक फर्श की वृत्ताकार परिधि पर 3 लड़के खड़े हैं, वो एक दूसरे के समान दूरी पर एक फर्श पर, ठीक है, एक फर्श है ना, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, एक बंदा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, इसको आप ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, समान दूरी पे है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, सिंपल सी बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो इसका न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका सबसे पहले इसका नाम हम लोग कर देते हैं, इसका मान लिया पी क्यू आर नाम है, ठीक है, और ये भी जान रहे हैं कि ये दोनों, ये सब एक दूसरे से बराबर होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 3/8,
रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर इसको गुना इसको गुना इसको इंटू फोर, इसको और एक इसका एक और एक फॉर्मूला है कि पी क्यू इंटू क्यू आर इंटू आर पी डिवाइड बाई फोर इंटू आर, आर यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। रेडियस करते हैं तो इसके ये भी एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये सब हम लोग इसको और इसको हम लोग पी क्यू को कितना माने हैं, तो एक्स माने हैं, एक्स माने हैं, ठीक है ना। तो एक्स माने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बटा फोर इंटू फाइव, रेडियस हमारा फाइव है, रेडियस कितना है हमारा फाइव, इजकल टू रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कट जाएगा, है ना, तो एक्स बराबर क्या बच जाएगा, तो रूट थ्री बट्टा फोर इंटू ट्वेंटी बच जाएगा, ये हमारा जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या बच क्या हो जाएगा, फाइव रूट थ्री, यानी कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना हो जाएगा, फाइव रूट थ्री, जो कि है ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। तो एक्स माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटा फोर इंटू फाइव, रेडियस हमारा फाइव है, रेडियस कितना है हमारा फाइव, इजकल टू रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट जाएगा, है ना, तो एक्स बराबर क्या बच जाएगा, तो रूट थ्री बट्टा फोर इंटू ट्वेंटी बच जाएगा, ये हमारा जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या बच क्या हो जाएगा, फाइव रूट थ्री, यानी कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना हो जाएगा, फाइव रूट थ्री, जो कि है ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो हम लोग देख लिए थे, है ना, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ से हम लोग का रीजनिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि सभी किताब पाठक है, सभी किताब जो है वो पाठक है ना, सभी किताब पाठक है, ठीक। तो मान लीजिए कि ये किताब है, ये क्या है, ये बुक है, ठीक है। सभी किताब जो है वो पाठक है, पाठक है ना, तो सारा का सारा किताब जो होगा वो पाठक होगा, सारा, है ना। देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है कि सभी किताब जो है वो पाठक है, तो ये मान ले कि हम लोग की ये बुक है और सभी किताब क्या बोल रहा है कि वो पाठक है ना, सारा किताब, तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा पाठक, ठीक। और कोई पाठक समझदार नहीं है, बोल रहा है कि कोई भी पाठक जो है वो समझदार नहीं, तो पाठक ही समझदार नहीं होगा तो बुक ही समझदार नहीं होगा, है ना। हम लोग अब निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं, क्या बोल रहा है निष्कर्ष, जब बोल रहा है कि कोई कभी समझदार नहीं, तो सही बात है, कोई कभी समझदार नहीं, जब पाठक ही समझदार नहीं तो कभी कहाँ से, पाठक तो कभी तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। सभी पाठक समझदार है, सभी पाठक समझदार है, नहीं एकदम नहीं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, यानी कि केवल एक सही है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये कि सभी पत्थर हीरे हैं, ठीक है। फिर से उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि सभी पत्थर जो हैं वो हीरे, मान लें कि ये पत्थर है और ये जो है वो हीरा है, ठीक है, ये पत्थर और ये हीरा, ठीक। कुछ हीरे मोती हैं और कुछ हीरे जो हैं वो मोती भी हैं, है ना, कुछ हीरे मोती भी, मान लें कि ये मोती है, ठीक है। वो आप निष्कर्ष क्या है,
कुछ मोती पत्थर हैं, कुछ मोती पत्थर है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे गलत हो गया। कुछ हीरे मोती है, और ये तो कथन ही हो गया, निष्कर्ष में आ गया, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। कथन जब निष्कर्ष में आ जाता है तो वो हमेशा गलत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई नहीं, ऑप्शन ये, ऑप्शन ए, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 गुणा का तत्पर क्या है? भागा 3, भागा तत्पर क्या है? प्लस। 15 प्लस का तत्पर क्या है? माइनस। ठीक है, तो -5, माइनस का तत्पर क्या है? गुना, तो गुना 2। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसको इसको गुना करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद प्लस का काम होता है, तो 15 और 5 कितना? 20, और -10 इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन ले लिए हैं, देखते हैं इसको। देखिए, मेरे घड़ी में 3 बजे हैं, यदि घंटे के सुई पूर्व दिशा में है तो बताएं कि मिनट का सुई किस दिशा में। ठीक है, हम एक घड़ी ले लेते हैं, ये घड़ी है, इधर 3 बजता है, ठीक है, इधर 3 होता है, 12 होता है, 6 होता है, 9 होता है, और इसका 3 बज रहा है तो, और पूर्व, और ऐसे भी पूर्व इधर ही होता है ना, तो मिनट इधर होगा, तो बोल रहा कि मिनट का सुई किस दिशा में होगा, तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर। यह एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि यह लड़का मेरे चाचा का, ठीक है, कोई भी यहाँ पे है एक, ठीक है, उसके चाचा का यानी कि पापा के भाई का, के बेटी, मतलब कि इसकी कोई बहन होगी, है ना, इसकी बहन का पुत्र है, इसका पुत्र है, ठीक है, तो ये दोनों में बोल रहा है कि लड़का लड़की में क्या अंतर है, तो ये इसके चाचा हुए, ये इसके फुआ हुए, फुआ का बेटा, तो ये कजन, है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको अब हम लोग देखते हैं, इस टाइप का तो बहुत इजी और बहुत कॉमन भी है ना, तो ये हम लोग देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपका रहता है, जब भी आपका रहता है, तो जैसे कि ये 2 है, ठीक है, तो इसमें इसका 1 का स्क्वायर और इसका 2 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना, उसी तरह इसमें 3 है, तो इसमें क्या करेंगे कि है ना, इसमें 3 है तो इसमें 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 13 एक 14, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन ए, है ना, और आप गिन के क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये, है ना, बोल रहा है कि पक्षी, गरुड़, शुतुरमुर्ग के बीच में क्या संबंध है? पक्षी, गरुड़ है वो भी पक्षी होता है, गरुड़ भी एक तरह का पक्षी होता है ना, शुतुरमुर्ग भी एक तरह का पक्षी होता है, तो ये रहा पक्षी, इसमें आ गया ये शुतुरमुर्ग और ये रह गया गरुड़, तो सिंपली ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए बहुत ईजी है। तो बहुत ईजी है, देखिए सबसे पहले 4 है, ठीक है ना, 4 है, 4 से 1 बढ़ा, ठीक है, 5 से 2 बढ़ा यानी कि 1 का दुगना बढ़ा, 7 से 11 बढ़ा यानी कि 2, 4 बढ़ा यानी कि 2 का दुगना बढ़ा, 7 से 19 बढ़ा यानी 8 बढ़ा यानी कि 4 का दुगना बढ़ा, अब यहाँ से क्या बढ़ेगा, इसका 8 था, 8 का दुगना कितना होता है? 16, तो 19 और प्लस 16, 19 और 16, तो 19 और 16 आपका आ जाएगा 36, तो ऑप्शन नंबर 35, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि मुंबई को वैसे लिखा है, मुंबई को SST करके लिखा, चेन्नई को वैसे लिखा, तो बेंच को कैसे लिखा। ठीक है, बहुत ही बेंच में सबसे पहले क्या आता है, बी आता है। ठीक है, तो बी में क्या यहाँ पे दिया है, बी का जगह टी दिया। ठीक है, ई ई की जगह, इसमें चेन्नई में ई की जगह क्या दिया है, तो एफ। एन एन की जगह चेन्नई में क्या दिया है, तो एम, टी एम। ऑप्शन आप देख रही हैं कि एक ही ऑप्शन में टी एफ एम है, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, ये भी बहुत ईजी है। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ऐसे देखेंगे, BCD 1 2 3, तब सीक्वेंस में चल रहा है, HGF इधर देखिए 6 7 8। ठीक है, सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा NP, और क्या है, NPQ। ये देखिएगा, ये 16 होता है, ये 17 होता है, ये 14 होता है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आप इधर भी देखिएगा तो ये भी आपका सीक्वेंस में दिख जाएगा, RQP, तो PQR, है ना, 16 17 18। ठीक है, यहीं पे आपका समाप्त हो गया है 100 क्वेश्चन। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।